तो हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको न्यू फेडेड विल इवेंट में लेके आया हूँ एक स्पिन की ट्रिक या फिर फ्री स्पिन की ट्रिक, ओके। और यहाँ पे आपको कितने स्पिन मारने पड़ेंगे और कितने लेवल वाली आईडी तक यहाँ पे बंडल या फिर एयूजी का स्किन निकलने का चांसेस रहने वाला है। तो ये ट्रिक का जरूर से फॉलो करना ताकि आपको फ्री स्पिन में और यहाँ पे आपको कितने डायमंड तक स्पिन मारना पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगा, ताकि जो भी बंदे ज्यादा स्पिन मारेंगे उनको यार बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ऐसा मैं बता देता हूँ, ओके। तो प्लीज इस ट्रिक का जरूर से फॉलो करना भाई लोग। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपका यहाँ पे लक अच्छा होगा। और आपका लेवल भी यहाँ पे मैं बता दूंगा कितना लेवल चाहिए यहाँ पे, उन लोगों को ज्यादा चांसेस रहता है निकलने का, ओके। तो अभी मैं आगे बता दूंगा। तो पहले तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक कैरेक्टर ले लेना चाहिए जिसको आप कम यूज करते हो या फिर पहले कभी यूज ना किया हो। आप आइटम भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं तो मैक्सिमम कैरेक्टर का यूज करता हूँ क्योंकि मैं पहले इसका यूज नहीं करता था, ओके। तो आप अगर एक कैरेक्टर लेना चाहते हो मैक्सिमम तो एक कैरेक्टर ले सकते हो, या फिर ऐसा कैरेक्टर ले लो जिसको आपने पहले कभी यूज ना किया हो या फिर कम यूज किया होगा, ओके। तो यहाँ पे आपका जो ये सब आता है ना बाउंटी वगैरह लोड आउट, उसको यहाँ पे आपको कर देना होगा अनइक्विप, ओके। तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे आपको सिंपली चले जाना होगा वेपन में, हमारे वेपन सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको जो भी गन आपकी बाहर शो हो रही है ना, शो लॉबी, तो उसको कर देना होगा शो नहीं करना होगा, ओके सिंपली। अभी यहाँ पे दो आइटम आपको वर्क करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कलेक्शन वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आके आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अवतार और बैनर जो डिफॉल्ट में होते हैं ना वहां पे चले जाना होगा अवतार बैनर में, ओके। और यहाँ पे सिंपली और कुछ मत करना, अवतार बैनर को यहाँ पे डिफॉल्ट में सेट कर देना। और भी मैं आगे बताऊंगा कितने लेवल वाली आईडी तक ज्यादा चांसेस रहेगा कि उनको फ्री स्पिन में या फिर नो डायमंड में निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दो या तीन स्पिन आप इसमें मार सकते हो इजिली, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी स्पिन मत मारना। आपको अगर एयूजी का स्किन यार दो तीन में मिल जाता है तो काफी बढ़िया हो जाएगा, या फिर बंडल भी निकल सकता है। तो यहाँ पे सिंपली उस बंडल के नीचे की जो दो आइटम है ना, एक का बॉक्स हो गया और फ्रेगमेंट्स हो गया, तो इन दोनों को रिमूव करके वहां पे टैप टैप करते रहना पड़ेगा। इतनी बार टैप करो, ज्यादा टैप करना, ओके, ताकि आपको जो ऊपर की आइटम है ना वो निकलने का चांसेस रहता है इस तरह से। तो इस दो आइटम को सिलेक्ट करने के बाद वहां पे टैप करने के बाद फिर कंफर्म कर देना, फिर यहाँ पे आपको गोल्ड रॉयल में चले जाना होगा और वहां पे दो दो के स्पिन मार देना, एक एक दो दो के इस तरह से स्पिन मार देना, ओके। टैप टू के स्किप भी कर सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पे फिर से आपको फेडेड विल में इवेंट में आ जाना होगा, फिर बंडल पे आपको टैप टैप करते रहना पड़ेगा, इतनी बार टैप करो। फिर आपको एयूजी का जो स्किन है ना वहां पे भी टैप टैप करते रहना पड़ेगा, जो कि हमारी दोनों ही मेन आइटम आप बोल सकते हो। तो इसमें से एक फ्री स्पिन में आपको निकलने का 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो बंदे हो गए ना जो कम लेवल वाली आईडी उनको निकलने का चांसेस ज्यादा रहेगा, और अगर यार ज्यादा लेवल वाली आईडी को भी निकल जाता है तो काफी बढ़िया बात हो जाएगी। तो इसी तरह से आप फ्री स्पिन मार देना। तो यहाँ पे मुझे तो नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि मेरी लेवल है 60, मेरे पास यहाँ पे 60 लेवल वाली आईडी है, इसलिए मुझे नहीं निकलता है। तो अभी मैं बात करता हूँ कितने लेवल वाली आईडी तक ये वर्क कर जाएगी। जिनका लेवल 55 से कम होगा ना उनको चांसेस ज्यादा रहेगा, ओके, आप समझ रहे हो ना, जिनका लेवल 55 से कम होगा ना उनको फ्री स्पिन में यहाँ पे नो डायमंड का भी आप अभी जा सकते हो, यहाँ पे आप नौ डायमंड भी ट्राई करना, फिर उसके बाद जो भी डायमंड बढ़ते हैं ना दो तीन बार ट्राई करना, उसके बाद आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना। यहाँ पे आप 100 डायमंड तक वेस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको एयूजी का स्किन भी मिल जाता है ना, तो यार काफी बढ़िया बात हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे बंडल भी मिल जाता है, तो ये बंडल तो आपको पता ही होगा पहले आ चुका है, और एलसी कमांडर इस बंडल का पहले नाम था, और अभी इसका कलर बलर चेंज करके फिर से यहाँ पे फेडेड व्हील इवेंट में आ चुका, और यहाँ पे लेवल आपका कम होगा और अभी आपका लक भी अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। तो लक अगर आपका अच्छा होगा तो आपको यार चांसेस रहेगा कि आपका लेवल 55 से कम होगा ना, तो उन बंदों को चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको पहले कोई ऐसी आइटम मिली नहीं होती है अच्छी वाली, तो उनको निकलने का चांसेस ज्यादा रहता है। मुझे तो काफी बार ऐसी अच्छी अच्छी आइटम निकल चुकी है, और मेरा लेवल जो है ना वो 60 लेवल हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ अभी अच्छा मिलता नहीं है, ओके। तो अगर आप इस ट्रिक का यूज करोगे तो आपको चांसेस रहेगा ज्यादा निकलने का, ओके, तो जरूर से ट्रिक का फॉलो करना। तो पहले मैं इसी ट्रिक का यूज करके यार आइटम निकाला करता था, और मेरा लेवल 55 से कम था ना तब तक मैं बहुत सारी ऐसी आइटम निकल चुका। अब इसे डायवल वेपन रॉयल सभी में यूज कर सकते हो, ओके, काफी यूजफुल ट्रिक है और काफी बंदों को निकल भी जाता है यहाँ से, तो जरूर से ट्राई करना। अगर निकल जाते हो तो नीचे कमेंट भी करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, ताकि क्या पता कि भाई वो भी लो लेवल वाले आईडी हो और उसको भी निकल जाएगा फ्री स्पिन में। आप दो तीन स्पिन मार सकते हो, मतलब कि 9 डायमंड हो गया, फिर उसके बाद जो भी एक डायमंड बढ़ेगा ना 19 डायमंड मेरे ख्याल से हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक दो स्पिन मार कर देख के लेना, क्या पता आपको बंडल भी निकल सकता है। तो प्लीज वीडियो
अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से यार भाई लोग अच्छा एक लाइक देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से करना, ताकि क्या पता उनको भी यार लोअर लेवल वाली आईडी हो और उनको भी बंडल निकल जाएगा। तो जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 10K जल्दी से जल्दी करवा देना पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।